नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकी संगठन घोषित किया। सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग को सर्दियों में रिकॉर्ड समय तक खुला रखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में भारत के Y20 शिखर सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और थीम जारी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 122 खेल परिसर बनाए जाने की घोषणा की। और पुणे में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराया।